अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ यू। तो रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की छोटी मोटी तैयारी तो अभी से करके रख लें ताकि आपको आसानी हो जाए। सर, हमें वेजिटेबल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। झटपट हमने वेजिटेबल को उठाया और हमने बस उसको थोड़ा यूज़ कर लिया। तो इस तरह से आप वेजिटेबल्स को कट करके आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो ये वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। सारे ऐसे वीडियोस आ रही हैं रमज़ान के हवाले से, तो हमें उससे भी इबादत करना ज़रूरी होता है और उसके लिए हम नई चीज़ों को अभी से थोड़ा बहुत स्टोर करके रख लें तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है और इजीली हम अच्छे से रमज़ान को गुजार सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो चीज़ है वो है बेसिक, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है आइस क्यूब्स। जो प्लेन वाटर है उसके आइस क्यूब्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना के स्टोर करके रख लें, जब भी आपको ज़रूरत होगी। डेली हम तो यूज़ करते ही हैं इफ्तार के टाइम पे, तो उसको ज़रूर से स्टोर करके बल्क में आप रख लीजिएगा अभी से, तो वो अच्छे से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसेस में डाल सकते हैं। काफ़ी सारे जो बेवरेज जूसेस होते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जो लेमन होते हैं वो लेकर आएँ और उसको आप स्टोर करके रख लें, बल्क क्वांटिटी में लेकर आ जाएँ और स्टोर करके रख लें। नंबर पे जो है वो है लेमन्स। लेमन्स को आप स्टोर करके रख सकते हो। जैसे आप लेमन्स ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में लेकर आए और उस टाइम पे लेमन काफ़ी ज़्यादा महंगे भी हो सकते हैं, अभी से थोड़ी तैयारी करके रख लें। आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर दें और लाइक को ज़रूर से हिट कर दें। और इस तरह से आप देख सकते हैं प्यूरी में बना के रख रही हूँ। फ्रेश टमाटो की प्यूरी आप बना के रख लें और लेमन्स को स्टोर कर लें, काफ़ी आसान हो जाती है कुकिंग। जो हम ग्रेवीज बनाते हैं उनके लिए भी और काफ़ी सारे चीज़ों के अलावा टमाटो भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। लेमन्स को आपने उसके बीज निकाल के आप उसको बस उसको डाल के फ्रीज कर लेना होता है आइस क्यूब्स के जैसे। और आप टमाटोज ले सकते हो, टमाटो की बस आपने प्लेन टमाटो फ्रेश टमाटोज लेने हैं और इनको आपने पेस्ट बना लेना है, चंक्स नहीं होने चाहिए। प्यूरी अच्छे से प्यूरी आप इसकी निकालें और इसको आप इस तरह से फ्रीज करके रख लें। फ्रीज़र के डिब्बों में आप डाल के आराम से इसको अच्छे से फ्रीज कर लें। फ्रीज करने के अच्छे से ये फ्रीज हो जाए तब इसको निकाल। जो मैं लेकर आई हूँ वो है कैरेट। कैरेट और वेजिटेबल्स काफ़ी सारे होते हैं जो कि रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। हमने कैरेट के चंक्स बना के रख लेने चाहिए और हमें इसको डाइस करके रख सकते हैं या फिर इसको क्रश करके रख सकते हैं। क्रश करने से क्या होता है, अगर जब भी आपका दिल करे रमज़ान में कभी टाइम नहीं मिलता है तो आपने एक पैकेट आपने हाफ के जी जितना आपने तो काफ़ी सारे चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे हो गया पुलाव बना सकते हो आप, पुलाव के टाइम पे मटर और कैरेट डाल दें और जो सब्जी वगैरह है छोटी मोटी सब्जी आप जो चपाती के साथ आप सर्व करते हैं सुबह के टाइम पे, थोड़ी सी उसमें जो आप कीमा डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कैरेट डाल सकते हैं, थोड़ा मटर डाल सकते हैं। ईजीली आपका जो वेजिटेबल वो गोभी भी आप कट करके रख सकते हो, मटर रख सकते हो और जो सफ़ेद चने होते हैं उसको आप इजीली रख सकते हो। इस तरह से छोटे छोटे चंक्स में मैंने कट कर लिए हैं और डाइस कर सकते हैं, लंबे लंबे इस तरह से आप बना के रख सकते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहता है। वेजिटेबल्स आप रखें तो काफ़ी लंबे समय तक आराम से चल जाती हैं, महीना डेढ़ महीने तक इजीली आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी सारे जो चीज़ें होती है जैसे कि समोसा हो गया, आलू टिक्की हो गई या काफ़ी सारे जो ऑयल से बनाते हैं हम लोग, तो वो सारी चीज़ें आप बाद में भी रख सकते हैं, 3 या 4 दिन पहले रख लें तो आसान हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते हैं। पोटैटोस का एक प्रोसीजर होता है रखने का, जो कि उसको थोड़ा सा बॉइलिंग किया जाता है, थोड़ा बॉयल करने के बाद सॉल्ट वाटर में उसको ड्रेन आउट करके उसमें कॉर्नस्टार्च डाला जाता है। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए आप पोटैटोस को फ्रेश कट करके उसमें ये सारी सब्जियों को डाल के आप कुकिंग कर सकते हो ईजी तरीके से।
बस पोटैटो को आपने फ्रेश, देखिए फ्रोजन चीज़ें हो गई उनको आप इस तरह से फ्रीज करके रख लें, या फिर आप कच्चे मटर ले लें तो उनको भी आप फ्रीज करके रख सकते हैं। फ्रोजन चीज़ों को बस आपने ध्यान देना ये है कि उनमें पानी नहीं जाना चाहिए, और जब भी आप यूज़ करें बस इसको थोड़ी देर बाहर रख दें और उसको हाथ से ऐसे ही निकालें, पानी बिल्कुल भी नहीं डालें, बस इसको निकालें, ईजिली वो निकल जाते हैं। जो टिप है वो है कोकोनट, कोकोनट आप ले सकते हैं, कोकोनट को आप इस तरह से निकाल लें और इसके छोटे छोटे पीसेस बना के रख लें, या फिर इसको अच्छे से ग्रेट करके रख लें, जितनी भी क्वांटिटी में आपको चाहिए वो रख सकते हैं। कोरमा बना रहे हैं या फिर कोई और रेसिपी बना रहे हैं, झटपट इसको डाला और आपकी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। टमाटोज आपने ग्राइंड करके रखे हुए होंगे और आपने इस तरह से कोकोनट भी रखा होगा, तो आपकी बस ग्रेवी बनानी रेडी हो जाएगी। और जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है उसको भी आप रेडी करके रख सकते हो। ये आप कोई स्वीट बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं, तो आप इसको कोकोनट को इजीली आप जो ग्रेट करके रखे होंगे वो इजीली थोड़ी सी उसमें ऐड कर सकते हैं। कोकोनट की बर्फी बना सकते हो, मिठाई बना सकते हैं, काफ़ी सारे चीज़ों में कोकोनट यूज़ होता है, तो इसको इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करें रमज़ान के महीने में, तो काफ़ी यूज़फुल और जल्दी जल्दी आपका काम निपट जाएगा। तो इंडियन डिशेज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस वजह से कोकोनट को स्टोर करके रखना, मतलब कोकोनट सारा लेकर आके उसको ऐसे ही रख के फिर उसी टाइम पे फोड़ के आप उसको बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो देख लें, तो हम लेकर आते हैं और उसको हम काफ़ी लंबे समय तक इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। धनिया को आपने एक टिश्यू लेना है और एक बॉक्स में डालना है, या फिर आप जो भी जो जो भी कवर में रखते हैं उसको पॉलीथीन में उसमें भी आप टिश्यू रैप करके रख सकते हो। अगर आप इसको सुखाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा वॉश कर लें और अच्छे से कपड़े में, सॉफ्ट कपड़े में कॉटन के, इसको अच्छे से पोंछ लें और इसको धूप में चॉप करके अच्छे से सुखा लें। देख सकते हैं कसूरी मेथी यूज़ करते हैं उस तरह से ये ज़बरदस्त सा जो कोरिएंडर है वो बन के रेडी हो जाएगा इजीली। जब भी आपका दिल करे आप इसको उठाएं बस यूज़ करते जाएं। इस तरह से आप ऑनियन को चॉप कर सकते हैं, चॉप करके आप इसको इस तरह से पतला सा आपको श्रेड करना है। श्रेड करने के बाद आप इसको इस तरह से एयर फ्रायर में आप इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के, थोड़ा बस हल्का सा ऑयल डालें और इसको इस तरह से आप फ्रीज कर लें, थोड़ा सा अच्छे से भून ले और अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाना चाहिए। मुझे पर्सनली एयर फ्रायर का कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया है, तो इस ट्रिक को आप ना ही फॉलो करें और आप जितना हो सके ऑयल में इसको फ्राई कर लें। नहीं, फ्राई करने से क्या होगा, आपकी जो ऑनियंस हैं काफ़ी क्रिस्पी और ज़बरदस्त से बनते हैं। एयर फ्रायर में मैंने फर्स्ट टाइम में ट्राई किया था तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। ये देख सकते हैं लास्ट में जो कबाब फ्राई किए, मेरे चैनल पर जाके चेक कर लीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।